नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस रेसिपी का नाम है बॉल माछे झाल। बॉल माछ जो है वो एक फिश नेम है जिसे बंगाली में बॉल माछ कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए कि मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं एक बॉल माछे झाल किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए पहले हम जो फिश को मैरिनेट करेंगे, ये फिश जो है वो जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल छिटकता है फ्राई करते समय, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से फ्राई करना होता है इस फिश को सेफली तरीके से, जिससे कि तेल जो है वो आपके ऊपर ना आए। पहले हमने इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा नींबू का रस देंगे। नींबू का रस मैं इसलिए ऐड करती हूँ जिससे कि फिश में जो एक बैड स्मेल होता है वो एकदम हट जाए, इसलिए मैं नींबू का रस एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसमें जो फिश का बैड स्मेल है वो बिल्कुल नहीं होता है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप सरसों का तेल दे दीजिए इसमें, और इससे अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। सरसों का तेल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फिश जब फ्राई करेंगे हम तो इससे तेल छिटकता है, तो सरसों का तेल जब हम थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें तो तेल जो है वो थोड़ा कम छिटकता है। अब मैं इस ये देखिए एक पेस्ट तैयार करूंगी। सूखे लाल मिर्च, जीरा और अदरक, इन 3 चीज़ मिला के मुझे हाथों से पेस्ट बनाना है। इसको मिक्सी में मत पीसिएगा नहीं तो फाइन पेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं सिलबट्टे में इसको पीस लूंगी। अच्छे तरीके से एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं फ्राई पैन में इस तरीके से ढक के फ्राई कर रही हूँ। ढक्कन को सामने रखिएगा और चम्मच से फिश को डाल के ढक्कन बंद कर दीजिएगा, जिससे कि फिश जो है वो तेल छिटकेगा तो आपको नहीं लगेगा। उसी ऑयल में मैं कुछ गरम मसाले जो है वो फ्राई कर लूंगी। 3-4 इलायची, दालचीनी, 2 दालचीनी और थोड़े से ब्लैक पेपर, काली मिर्च, मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। हल्का सा फ्राई करना है, करके इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लेना है जो कि हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा तेल और ऐड कर लिया है, करके मैंने यहाँ पर आलू को इस तरीके से कट कर लिया था। अब कट करके इसे मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये अच्छे तरीके से रेड ना हो जाए और अच्छे से भुन ना जाए आलू, तब तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। देखिए यहाँ पर आलू जो है फ्राई हो चुके हैं और ये मैंने पेस्ट जो तैयार कर लिया है, अदरक, फिर जीरा और लाल मिर्च का जो पेस्ट है वो मैंने यहाँ पर तैयार करके अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। करके इसे लो फ्लेम करके हमें अच्छे तरीके से भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए, एकदम हल्के तरीके से भूनना है। इस मसाले को जितना हम चलाएंगे और जितना इस मसाले को हम भूनेंगे उतना ज़्यादा टेस्ट इस रेसिपी में आएगा। तो हम अब इसको फ्राई करते रहेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, कम करीबन 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार और सिर्फ 3-4 चीनी के दाने, 3-4, ज़्यादा नहीं। चीनी के दाने डालने से कलर जो है वो बहुत बढ़िया आता है, इसलिए हम इसमें 3-4 दाने बस शक्कर के हम इसमें ऐड करेंगे। करके हम अब अच्छे से थोड़ा सा इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इन मसाले को। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी देके हमें मसाले को भूनना पड़ेगा। देखिए हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें, करके हम मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि ये मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। इस तरीके से हम 2-3 बार इस मसाले को भून लेंगे। इस मसाले को भूनते समय हमें फ्लेम को अब हाई कर लेना है, लो नहीं रखना है, जिससे मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भून सके, इसलिए हम फ्लेम को हाई कर लेंगे। देखिए मसाले भून चुके हैं, अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। करके इसी तरीके से दोबारा हमको चला लेना है और मसाले को हमको भून लेना है। हमने एक और बार मसाले को पानी देके भून लिया है। भून लेने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब करीबन 1.5 कप पानी, कॉफ़ी मग का जो
मग होता है उसके 2 1/2 कप मग हम इसमें पानी ऐड करेंगे। करने के बाद हमने जो फिश पहले से फ्राई करके रखा है उस फिश को हम इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके अब हमको फ्लेम को लो करना है। लो करने के बाद हम इसको ढक देंगे करीबन 8 से 9 मिनट के लिए। हमें इसे ढक के इसी तरीके से पकाना है। उसके बाद देखिएगा, ये दिखने में बहुत ही बढ़िया और खाने में बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के हम इसको लो फ्लेम करके पकाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 8 मिनट बाद मैंने जो गरम मसाले जो फ्राई करके पेस्ट बनाए थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। एकदम लास्ट में इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जस्ट 30 सेकेंड के लिए हम इसको चलाएंगे, फिर हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। 30 सेकेंड के लिए रखेंगे, रख के हम गैस को एकदम ऑफ करके ढक्कन देके एकदम ढक देंगे करीबन आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये जो गरम मसाला हमने ऐड किया है उसका जो फ्लेवर है वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से इसके अंदर आ सके। देखिए, ये रेसिपी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। आज के लिए बस यही तक। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।